गाइस आप लोग देख रहे हैं टॉपर सॉल्यूशन। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द स्टेप वुड यू यूज टू मेकिंग टी। यूज द वर्ड एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड डिसवॉल्व एंड बेकी अनर्थ अनर्थ छोड़ो ना। अब आ जाते हैं हम अपने आंसर की ओर। टी का सॉल्वेंट यानी कि एक कप एक 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 तुम लोग बोलो क्या बोलते हैं उसे कटोरा, कटोरे को तुम गरम करो, तब तक गरम करो जब तक उस पर पानी गिरते ही वो उड़ने लगे। और उसे गरम करो फिर पानी को अच्छा बॉयल कर लो यानी कि बहुत ज़्यादा गरम कर लो और उसमें मिल्क डाल दो और फिर मिल्क और वाटर की सॉल्यूशन में प्योर टी लीव से हिमालय से निकली हुई डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा धीमी आंच पे मिल्क को गरम कीजिए टी लीव्स के साथ और आप देखिए टी लीव्स अपना कलर छोड़ने लगेंगी मिल्क के ऊपर। गिव अनदर सॉल्यूशन एंड फिल्टरेड। अब आपको करना है उन कप को कटोरे को नीचे उतार लेना है एंड द रिमेंबर टी बी हैज इंसॉल्व रिमेंबर एंड रिड्यूज और रिकॉर्डिंग। फिर आप लोगों को उसको निकाल लेना है, फिर उसके अंदर आपको जो डालना है शुगर डिसॉल्व और मैनी अदर थिंक और उसे फिल्टर कर लेना है यानी छन्नी से छान लेना है। और फिर देखिए हमारी टी रेडी। इतने से आप लोगों को वरना बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ता, 6 पॉइंट्स लिखने पड़ते और मैंने बिल्कुल कुछ ही लाइनों में कम से कम 5 लाइनों में आप लोगों को समझा दिया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में। इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा अपने जीवन में, आप लोग इसे देख के घबराना मत। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ पर्पस मिल्क नाइट्राइड वुड यू नीड टू प्रोड्यूस सेट्यूल सॉल्यूशन 5 ग्राम। तो इसका आंसर देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है कि ऑल 303 पोटेशियम नाइट्राइड 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओहो अब ये देखिए ये और ये पूरा आंसर है। आंसर देखिए बिल्कुल मैथ की तरह लग रहा है लेकिन मैथ की तरह है नहीं। 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर तो 31 ग्राम आ गया आपका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। प्रज्ञा प्रज्ञा है जो है पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में मिलाती है एंड लीव सॉल्ट टू कूल और फिर उसे रख देती है रूम टेम्परेचर पे। वुड यू ऑब्जर्व एज अ सॉल्यूशन कूल। फिर आप लोग बताइए कि जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है तो क्या होगा, एक्सप्लेन मी प्लीज। तो अब आ जाते हैं हम अपने सी नंबर क्वेश्चन पे। जो ये प्रज्ञा है उसने एक खुराफाती मन से सोचा कि मैं पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैंने वाटर में मिलाया तो क्या होगा और सम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व पोटेशियम नाइट्राइड। उसका खुराफाती मन क्या सोच रहा था। अब देखते हैं ये आंसर तो बहुत अच्छा है एंड अनडिसॉल्व सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट ऑफ डिक्रीज इन डिक्रीज टेम्परेचर। वो सॉल्यूशन अनसॉल्व हो गया और डिक्रीज होता रहा। अब आ जाते हैं हम सी क्वेश्चन पे। सी क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्वेंट ऑफ ईच सॉल्ट ऑफ 293 कैल्सियस विच ऑफ वाटर हैज हाईएस्ट सॉल्वेंट एट अ टेम्परेचर। आइए सी आंसर है। ये देखिए पोटेशियम नाइट्राइड सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनियम क्लोराइड इज़ अ हाईएस्ट सॉल्वेंट एट टेम्परेचर यानी कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें तो सॉल्ट बहुत तेज़ी से गर्म उसमें डिसॉल्व हो जाएगा यानी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मन तो बहुत खुश हो रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। वॉट इज द ईच ऑफ चेंज एज टेम्परेचर ऑन द सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्ट। ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ईच इज अ विच ऑफ इंक्रीज एंड टेम्परेचर यानी कि सॉल्वेंट ऑफ सॉल्ट इंक्रीज एंड इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। देखिए सॉल्ट इंक्रीज होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि जब आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय। खुराफाती मन फिर